श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा कमेटी के संरक्षक जेवर विधायक धीरेन्द्र जी की प्रेरणा से सेक्टर 5-3 व P4 में रह रहे मजदूर व जरूरतमंद 250 परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस बारे में हमें कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह ने बताया कि कमेटी के अधिकांश सदस्य पिछले एक माह से क्षेत्र में राहत व सेवा कार्यों में जुटे हैं। वहीं विनोद कसाना मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इन सेक्टरों में मजदूर व गरीब जरूरतमंद रह रहे 15 दिन परिवारों को 15 दिन का राशन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। माननीय विधायक धीरेन्द्र जी की प्रेरणा से यहाँ जो मजदूर लोग रह रहे हैं उन्हें रामलीला कमेटी की ओर से राशन वितरित किया जा रहा है। पिछले एक महीने से हम सभी लोग प्राधिकरण के साथ में लगकर भोजन वितरण का कार्य कर रहे थे, लेकिन अब 11 दिन का लॉकडाउन पीरियड रह गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए शासन का प्रशासन का ये आदेश है कि हमें लोगों को घरों तक ही सीमित रखना है, तो इसलिए बजाय खाने के राशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज रामलीला कमेटी की तरफ से यहाँ लगभग 250 परिवार हैं उन्हें राशन वितरित किया जा रहा है। ये राशन यहाँ लेकर आया गया है। हमारी कमेटी के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह जी, मनोज गर्ग जी, विनोद कसाना जी, हरिंदर भाटी जी, कमल जी, सभी लोग लगे हुए हैं इसमें। प्राधिकरण की टीम पूरी लगी हुई है। जितेंद्र यादव जी हैं, वैभव नागर जी हैं, सभी लोग वितरण करने में सहयोग कर रहे हैं। दूरी बना कर रखें अपने जाते रहे अपने की चलो। घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना, घर में राशन बनाना, अपना घर में रहना बस। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। आइए आइए।